हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ और खुश होंगे। तो आ गई है मैम आपकी एक नई कहानी के साथ। तो सुनना चाहेंगे आज की हमारी नई कहानी कौन सी है? तो हमारी आज की कहानी का नाम है सदा मुस्कुराते रहिए। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक हिरन का बच्चा जंगल में दौड़ रहा था। वो खरगोश से भी आगे निकल गया, हाथी से भी आगे निकल गया। वो इतनी जोर से दौड़ रहा था, एक ही छलांग में वो नदी की छोटी धार के दूसरी ओर था। अगली ऊंची छलांग ने उसे टूटी दीवार के पार पहुंचा दिया। घास के मैदान में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। बच्चे को उससे ठोकर लगी और वह वहीं गिर गया। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसके बाद बंदर ने पैर की उस मालिश की, मगर वो बच्चा चुप ना हुआ। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी भालू भाई आए और उन्होंने उसे गोद में उठाया, मगर बच्चे के रोने में कोई कमी नहीं आई। तभी उस बच्चे की माँ वहां आई और बोली, चलो इस बुरे से पत्थर की पिटाई लगाते हैं। इस पर बच्चा बोला, ऐसा मत करो वरना यह भी रोने लगेगा। और ये सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। माँ के साथ वो भी मुस्कुराने लगा। तो आपने देखा, मुस्कुराने से सभी समस्याओं का हल निकल जाता है। मुस्कुराना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते मुस्कुराते आप सारे परेशानियों का हल निकाल लेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।